भाई सीधी सी बात यार, तू रहेगी इस घर में तो हम रहेंगे। अब सीधे डिसाइड कर लो कि कौन रहेगा। पढ़ाती है नहीं, मुझे कहती है काम करवाती जी। सामान वामान रखा हुआ था, पत्थर वगैरह सब तोड़ दिया। क्योंकि तुम्हारे भाई पे जो उसकी ड्रीम कार है वो आए, तो भाई सभी लोग एक लाइक कर देना प्लीज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस कांडपाल व्लॉग्स के एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज दोबारा से बारिश होने वाली है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, देखना आप लोग। और एक मेन बात करनी है, आ जा तू भाई। हमारी बहन ने हमें बहुत दुखी कर दिया है, बहुत ज़्यादा हमें भाई मारती है, रुलाती है, क्या क्या करती है हमारे साथ। ऐसे रो क्यों रहा है, रो मत, रो गया बेचारा, रोने का नहीं है भाई, कोई मार नहीं रहा है, वरना फिर तुम मेरे कॉमेंट बंद कर देते हो। कोई नहीं मार रहा बच्चे को, ऐसे मजाक में रो रहा है, क्या वो रो मत है। पढ़ाती है नहीं, मुझे कहती है काम करवाती नहीं है भाई। सरासर दिव्यांश ने इल्जाम लगाया है दीदी पर, और दीदी भाई हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रही है, तो भाई सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी घर वालों से, या तो वो रहेगी या तो हम रहेंगे, ठीक है ना, है ना। अभी 5 मिनट पहले फोन लिया था, डालने लग गई है भाई। तेरा मुंह पता कैसा लग रहा है अभी, बिल्कुल सुमर जैसा। मत रोने वाली क्या बात है इसमें भाई, वो पढ़ाई करने के लिए बोल रही थी बस, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आज फैसला होगा, रहेगा तो दीदी रहेगी या तो हम रहेंगे। चलो चलते हैं ऊपर, सभी लोग बैठे हैं, लंच कर रहे हैं सभी लोग, हम ही जाते हैं ऊपर और बात करते हैं उनसे। जाने से पहले गेट बंद कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गेट बंद करना वरना चोर आ जाएगा। भाई सीधी सी बात यार, तू रहेगी इस घर में या तो हम रहेंगे, अब सीधे डिसाइड कर लो कि कौन रहेगा। तू नहीं रहेगी सीधी सी बात, हट जा यहाँ से, मेरी ग्रिल पे पैर ही मत रख। है कौन, ओए आ गई, बात कर ले भाई से सीधे सीधे, क्या करना बताओ, ये रहेगी हम, तू हट यहाँ से, बोलो ना, हट यहाँ से, बोल यार, तू रहेगी या तो हम रहेंगे इस घर में, बता रहा हूँ, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तू निकल, हाँ तो निकल निकल, और बाहर कर इसको, बाहर कर इसको, कब कुछ, हाँ औकात नहीं, अभी रुक जाओ तू 2 मिनट। भाई सीधी सीधी बात कर लेना दीदी से, दीदी बता दे, ओए मत कर उससे कुछ, हाँ अरे ओ ओ ओ ओ ओ ओ घेर जा, इधर ला इसको, इसको इधर ला, हाँ तूने कैसे कैसे मार रही मेरे भाई को, कैसे मार रही है तू, बन मत ना को, कैसे, ओ निकाल इसको, पकड़ खींच, मैं कह रही हूँ छोड़ ना, हाँ छोड़ मेरा, क्यों छोड़ू, और क्या है, हाँ कुछ बोला मैंने मेरे भाई से, क्यों रुलाया उसको क्यों रुलाया, हाँ यहाँ पर पापा आ गए सपोर्ट लेने उसका, वो भी जाएगी बाहर, आज घर से बाहर निकलेगी, निकाल लोगे साले, सब निकल जाओगे, वो निकले, हाँ जाओ, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। तो गाइस अभी आ चुके हैं ऊपर, और मम्मा फैसला कर दो, दीदी रहेगी या हम रहेंगे, मोबाइल छोड़ दे यार, रहन दे, रख दे, पापा कह रहे मोबाइल छोड़ वरना मैं तक्के फेंके मारूंगा, रहन दो, अब रख दो नीचे। गाइस अगले साल पता है पापा 60 साल की हो जाएंगे और मम्मा 56 साल की हो जाएगी, वही बात है, आप 70 साल बड़ी हो गए पापा से, नहीं नहीं पापा हो जाएंगे 60 और मम्मा हो जाएगी 58। इस खाना तो खा लिया, लेकिन भाई मेरी बहन को भूख भी लगती है और मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है, तो यहाँ पर दीदी बनाने में लगी है पकौड़ियाँ, मेरे लिए बनाना अच्छी सी, दीदी बैटर बना के दे रही है पकौड़ी, बैटर क्या होता है, ये बैटर कौन सी चीज होती है मम्मा, घोल है, हिंदी में घोल कहते हैं, पकौड़ी का मिश्रण, अच्छा घोल बनाकर दे रही है। और गाइस 5 मिनट मैंने कैमरा के रखा, यहाँ पर मम्मी ने पकौड़ी बना भी दी है भाई, आधी यहाँ पर बन चुकी है, बारिश की मौसम भाई, बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाए ना, चाय पकौड़ी है ना, मजा आता है ना, तुमने खाइएगा अभी बारिश में या पहली बार खाएगा, पहली बार चलो अच्छी बात है, पहली बार खाएगा, लेकिन बारिश नहीं हो रही है भाई, बारिश होती तो मजा और आता। पकौड़ी तो खा ली हम लोगों ने और बड़े पापा भी रेडी हो चुके हैं, कह रहे थे कहीं चलने को, मैंने चलो चलते हैं फिर, है ना, चलो ना पापा, कैसे घूम रहे हो आप, ये मामा देखो आप मुझसे तो बहुत डांटती हो, ये पानी किसने चलाया है, ये किसने चलाया, ये बहुत तेज आ रहा है ना इसमें से, बात ये है मामा, मुझे डांट देती हो चुन्नी से पूछने के लिए, पापा को नहीं डांटा आपने, क्या हो गई, तो मैं ही पूछ रहा हूँ फिर, मुँह मम्मा बहुत बनती है अपने आप को, मम्मा इतनी बनती है ना बहुत ज्यादा, ये देखो ये लो, अब और पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं चलता है, मैं मुंह नहीं पोछ पाऊंगा भाई, इससे पता है पूरा गीला हो जा रहा है सारे नल से, देखो पता है कैसे,
इतना तेज चला दिया और यदि कोई हाथ भी धो रहा है तो ये सब छब्बारे देखो कहाँ आ रहे हैं, बाहर को आ रहे हैं, सब बाहर को आ रहे हैं। तो मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं भी तेरे पीछे पड़ा हूँ, वो दोनों नहीं। तूने तो अभी स्कूटी से निकाल दूंगी, पैदल हो जाएगा। अरे जाना यार, तू रहेगी तो हम रहेंगे। तो गाइस अभी तो हम लोग ऐसे घूमने आए थे और तो अभी इतनी खतरनाक लोकेशन पे खड़े हैं ना, वो जहाँ पर उस दिन गोलियां चली थी ना, वीडियो देखी होगी आप लोगों ने पिछली वाली। कहाँ पर खड़े हम? ये तो दांत कटा रही है डर के हमारे भाई। इसी जगह पे वहाँ गोली चली थी, इसी जगह पे, और आगे मेरा कॉलेज है, यहाँ पर चल रही थी गोलियाँ यहाँ से, इस जगह से इस जगह पर, और वो ये लोकेशन है। ये देखो ये ट्रक जला रखा है पूरा, ये देखो वो है, अरे वो है जेसीबी, जेसीबी जो खुदाई करती है। जिन दो जनों में लड़ाई हुई ना, उन्हीं के किसी मतलब या तो इस वाले ने या तो इस वाले बंदे ने ये पूरी जेसीबी जला दी और जो भी यहाँ पर सामान वामान रखा हुआ था, पत्थर वगैरह सब तोड़ दिया। देख रही है बहन कितना तगड़ा सीन हुआ यहाँ पर। तो डर लग रहा होगा वैसे खड़े होने में। और मुझे यहाँ से डेली निकलना है कॉलेज, कॉलेज के लिए निकलना है मुझे। पापा पापा भी डर रहे हैं, पापा मुझसे कह रहे उधर मत जाना, उधर मत जाना, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। चलो 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 घर चलो। और गाइस पता है बिल्कुल जब यहाँ पर वो वीडियो देखी ना तो ऐसा लग रहा था GTA Vice City का गेम चल रहा, मजाक चल रहा है कसम से, सच में ऐसा लग रहा था। अरे यहाँ नहीं रुकना होता पापा, हम निकल सकते हैं, हम सीधी रोड पे हैं अपनी, हम निकल सकते हैं। भाई दोबारा से आ चुके हैं वहीं पर आम लेने, और भाई देखो कितना मस्त आम है भाई, ये अच्छा लग रहा है यार। ये देखो कितना लंबा है, जी देख भाई ये बिल्कुल लंबा है नहीं मैडम, लंबा तगड़ा आम है भाई ये। तो भाई मुझे तो स्पेशली ज़्यादा अच्छा लगता है, तुझे भी ये लगता है ना अच्छा? ये हाँ, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है ना जिनके दांत खराब हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए जिनके दांत अच्छे हैं। तो भाई फिलहाल आम ले लिए इतने सारे हम लोगों ने, अब चलते घर पर। तो भाई आ चुके हैं घर पर हम लोग, और जो आम लाए थे यहाँ पर रख दिए, अभी अभी गर्म हो रहे होंगे ना, जब ठंडे जाएंगे तब खाएंगे सब लोग। और गाइस मैं तो आ चुका हूँ ऊपर खाना खाने, और यहाँ पर मम्मी ने मुझे दे भी दिया है यहाँ पर चावल, आलू की सब्जी और रोटी। तो चलो मैं तो खाता हूँ, लेकिन मेरे भाई बहन नहीं आए हैं। खाना तो खा लिया भाई, बिल्कुल मस्त हो रहा था। और बता आज मैंने आम के साथ रोटी खाई ना तो वो और ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब चलते टहल कर आते हैं मस्त। और दीदी आ रही है, तू भी आ रही है ना? दीदी नहीं आ रही, और अब देखना पीछे पीछे सबसे पहले यही होगी। घर खोला और ये देखो कौन बैठा हमारे घर के आगे, भाई ये पता नहीं किसने छोड़ दिया यार बेचारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोटी है, रोटी देना। अरे 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 गिर गई यार रोटी, गिर गई, लगा ली ये ले, चलो रोटी खा ली भाई इसने, देखो रोटी खा लेती है, अच्छी अच्छी है भाई। हर जगह मेरा प्यार दिख जाता है, मेरा सपना दिख जाता है यार। ये देखो क्या मस्त लग रही है ये, लेकिन फेस लिफ्ट है, लेकिन जो लीजेंडर है ना वो इससे ज़्यादा तगड़ी लगती है, और मतलब वो बहुत ही प्यारी लगती है इससे तो बहुत। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे भाई पे जो उसकी ड्रीम कार है वो आए, तो भाई सभी लोग एक लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को, है ना दीदी? दीदी की शक्ल देख के लाइक कर देना। चलो घर से नहीं निकालूंगा मैं, अबे नहीं बहुत दूर है तू, तेरे घर से नहीं निकालूंगा। बस गाइस लाइक कर देना वीडियो, ठीक है? पक्का घर में रह रहा है। अरे जाना जो दुकानें देख रहे हो ना, जितनी भी है सब दुकानें हैं, कल से आप लोगों को ये पता है ब्लॉग में दिखेंगी ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि भाई कल से ये सारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि भाई ये पहली बात तो किसी की, जैसे कि यदि कोई प्रॉपर्टी होती है वो मेरे नाम की है तो वो चीज़ हाँ मेरी है, ये किसी के नाम की दुकान नहीं है ना, इससे जो प्रॉपर्टीज है गवर्नमेंट ही है भाई, गवर्नमेंट कल दे सारी प्रॉपर्टी अपनी ले लेगा। यहाँ पर देखो जो फ्रूट्स की दुकान थी ना, कहीं सब लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सुबह पुलिस वाले आए वो पूरा ख़राब कर देंगे सामान इनका, है ना? तो सही कर रहे हैं भाई कि अपना सामान पहले ही पैक कर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बड़े पापा को ऐसा लगा कि हमारे बच्चे थक गए हैं तो मैं ज़रा आइसक्रीम खिला दूँ, भाई पापा आइसक्रीम खिलाने लेकर आए हैं। मेरी तो आ गई आइसक्रीम, देख लो मस्त लग रही है, हर चीज़ दौड़ डाल लिया ऊपर से। गाइस मैं तो आ चुका हूँ अंदर मस्त अपने बिस्तर पे, मम्मी मैं तो आपके साथ सो रहा हूँ, ओके? और गाइस चलो ये ब्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं एंड। आई होप ये ब्लॉग आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल फिर मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चौगोज़।